डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइडल कम्युनिटी सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा और आज की इस क्लासेस में हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड के पार्ट 11 में इंसर्ट टैब ऑप्शन के अंदर में पिक्चर इंसर्ट और फॉर्मेट कैसे करते हैं। पिक्चर इंसर्ट और फॉर्मेट कैसे करते हैं, उन चीज़ों को आज इस वीडियो में मैं जानूंगा, हम लोग जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एमएस वर्ड के अंदर में जो इंसर्ट टैब होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इंसर्ट टैब जो होता है इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर में होता है पिक्चर नाम का ऑप्शन, और इंसर्ट टैब के अंदर में जो पिक्चर ऑप्शन होता है इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर में होता है। और साथ ही साथ जब पिक्चर इंसर्ट करते हैं नए सिरे से, तो एक हम लोग के सामने एक नया टैब भी खुल के आता है जिसका नाम होता है फॉर्मेट टैब, और उस फॉर्मेट टैब के अंदर में कई तरह के ऑप्शन दिए होते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले और कुछ बातें बता दें। इंसर्ट टैब के अंदर में कई तरह के और ग्रुप हैं जिसके बारे में हम लोग को जानना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस रेड आइकन में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से आगे के वीडियोज में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं कर पा रहे हैं या कमेंट नहीं कर पा रहे हैं और अन्य लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ते रहे और हमारे आपके जैसे और भी लोगों को मदद मिल सके। तो हम लोग का ये चैनल है आइडल कम्युनिटी सेंटर डुमराव के नाम से, तो इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर में पिक्चर जोड़ना। एमएस वर्ड आप लोगों को ओपन करना आता है, मैंने एक एमएस वर्ड ओपन कर चुका हूँ, और साथ ही साथ इस फाइल के अंदर में मैं यहाँ पे रैंड कमांड की मदद से मैं कुछ लिखावट को लिख लेता हूँ, और यहाँ से उसके बाद मैं यहाँ पे लिखावट लिखने के बाद मैं यहाँ पे अब चाहूँगा कि इस पेज पर मैं चित्र जोड़ना चाहूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे चित्र जोड़ने के लिए मैं इंसर्ट टैब में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब में जैसे जा रहे हैं पिक्चर नाम के ऑप्शन में, तो यहाँ पे लिख रही रहा है इंसर्ट ए पिक्चर फ्रॉम ए फाइल। यहाँ से मैंने जैसे ही पिक्चर पे क्लिक किया, तो ये पहला स्टेप जो होता है हम लोग का, वो पूछता है कि आप जो पिक्चर इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट पिक्चर के नाम से एक डायलॉग बॉक्स आता है, और इसमें ये हमसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आप जो पिक्चर इंसर्ट करेंगे वो कहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो आप डेस्कटॉप पे अगर आपका इमेज है तो डेस्कटॉप से ले सकते हैं, अगर आपका इमेज डाउनलोड में है तो वहाँ से ले सकते हैं, अगर आपका इमेज डॉक्यूमेंट में है तो वहाँ से ले सकते हैं, सी ड्राइव में है या डी ड्राइव में है या पेन ड्राइव में है तो जहाँ वहाँ से आप ले सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ से पिक्चर नाम का जो ऑप्शन है वहाँ से मैं जाता हूँ और कोई भी एक चित्र मैं यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे मुझे ये चित्र पसंद है तो मैं यहाँ से इस चित्र को ले लेता हूँ और यहाँ से इंसर्ट मैं करता हूँ। जैसे मैंने इंसर्ट किया तो ये चीज़ देख पा रहे हैं कि आपका ये मैटर है और मैटर के साथ साथ आपका ये चित्र यहाँ पे जुड़ गया। अब मैं इस चित्र को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, तो चित्र को छोटा करने के लिए रिसाइज ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसा कि आप दिखाई दे रहा है इस कोने पर चित्र को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो कोने पर एक हैंडल जो बन रहा है, इस हैंडल को पकड़ के आप ड्रैग करेंगे, अगर आप बाहर की तरफ आउटसाइड अगर आप ड्रैग करेंगे तो चित्र बड़ा होगा, और अगर आप अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपका जो चित्र होगा छोटा होगा, और चित्र का जो शेप और साइज़ बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। अगर आप चित्र को यहाँ से अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो चित्र का जो रूप होगा वो ख़राब होगा, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब आप चित्र इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक गैपिंग आपको बच रहा है। अगर आप चाहेंगे कि मैं चित्र यहाँ पर रखूँ और ये गैपिंग ना आए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए कैसे उपाय करेंगे, क्या इसका उपाय है, इस चीज़ को भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको आगे बता दूँ कि इसके अंदर में जब चित्र इंसर्ट करते हैं तो हम लोग के सामने फॉर्मेट नाम का एक टैब खुल के आता है। उस फॉर्मेट के अंदर में यहाँ पर कई तरह के ऑप्शन है, ब्राइटनेस के नाम से, कॉन्ट्रास्ट के नाम से, बारी बारी से एक एक चीज़ों को हम कवर करते जाएंगे। मैं इस चित्र को थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से इस चित्र को लेता हूँ, और चित्र को लेने के बाद मैं चित्र को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेता हूँ, कॉपी मैंने कर लिया, और चित्र को थोड़ा सा और छोटा अगर हम कर लेंगे तो मेरे सामने हम लोग के सामने चार चित्र आ जाएंगे। मैंने यहाँ से इसको चार कर लिया, फिर से एक बार हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और फिर से पेस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे सामने चार चित्र आ चुका है और आप देख पा रहे हैं कि चारों चित्र अभी फ़िलहाल में एक जैसा दिख रहा है, लेकिन मैं इस चित्र को सेलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट टैब में जाता हूँ, और फॉर्मेट टैब में जो पहला ऑप्शन है ब्राइटनेस, उसका यूज़ मैं करता हूँ। यहाँ पर मैं चित्र का ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दिया तो चित्र कुछ अजीब सा दिख रहा है। अगर इस चित्र का ब्राइटनेस मैं घटा देता हूँ यहाँ से -40,
तो ये हमारा चित्र कुछ अजीब दिख रहा है। तो हमारा जो मेन जो चित्र है, जो पहले ओरिजिनल पिक्चर जो था वो ऐसा था, लेकिन अभी ब्राइटनेस बढ़ाने से और ब्राइटनेस घटाने से ऐसा प्रभाव पड़ रहा है। वापस मैं इसमें कंट्रास्ट का प्रभाव जोड़ रहा हूँ, कंट्रास्ट को मैं बढ़ा रहा हूँ और एक पिक्चर में कंट्रास्ट को मैं घटा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको ये प्रभाव पड़ रहे हैं। तो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को अगर आप बढ़ाना हो तो चित्र को इस तरीके से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। वापस अगर आपको ये प्रभाव नहीं चाहिए तो अंडू कमांड का इस्तेमाल करके ये सारे ऑप्शन को मैं हटा देता हूँ। आगे चलता हूँ, अगला ऑप्शन है रीकलर के नाम से। अगर आप चाहेंगे कि चित्र को रीकलर करना, चित्र के अंदर में जो भी कलर का प्रभाव जोड़ा गया है उसको थोड़ा सा आप अलग तरीके से दिखाएं या खुद के तरीके से दिखाएं तो आप दिखा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस चित्र में, मैं इस चित्र को सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे सके। और चित्र को सेलेक्ट करने के बाद फिर से मैं रिकलर में जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आप ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं उसका प्रभाव आपको बदल रहा है। जैसे अगर आप इस पे क्लिक करते हैं ग्रीन वाले पे, तो यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है ये डार्क ग्रीन टाइप का दिख रहा है, लेकिन यहीं अगर हम इस पे फिर से वापस इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लाइट वेरिएशन वाले ऑप्शन को लगाते हैं तो आपको इस तरीके से प्रभाव दिखेगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहेंगे कि चित्र में अगर कोई प्रभाव जोड़ना हो तो आप इसमें प्रभाव जोड़ सकते हैं। वापस मैं अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल जेड की मदद से। आगे चलते हैं, अगर आप चित्र में मोर वेरिएशन का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो, और अपने मन से अपने हिसाब से कोई कलर जोड़ना चाहेंगे तो उसका प्रभाव भी जोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, सेट ट्रांसपेरेंट कलर का इस्तेमाल करके आप चित्र के किसी खास हिस्से को, अगर आप चाहेंगे कि कोई कलर है उसको मैं प्रभाव को हटाऊं तो यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे मैं व्हाइट वाले को हटाता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं व्हाइट में कुछ आपको प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसका ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे काला वाले हिस्से पे मैंने क्लिक कर किया तो ये आपको दिखाई यहाँ पे दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से किसी तरह का प्रभाव हटाना हो तो आप यहाँ से प्रभाव हटा सकते हैं। खास करके इसका यूज किया जाता है उस कंडीशन में जब आपका पिक्चर का कोई बैकग्राउंड है और एक कलर का हो, उस बैकग्राउंड को अगर आप हटाना चाहेंगे तो इसके लिए सेट ट्रांसपेरेंट कलर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला ऑप्शन है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर की मदद से आप किसी भी पिक्चर के साइज़ को कम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से बाकी सब पिक्चर को मैं हटा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से एक पिक्चर को, इसी पिक्चर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जो ओरिजिनल इसका साइज़ था वहीं रहेगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल एस की मदद से मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, और मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, पिक वन के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। पिक वन के नाम से मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ फाइनली। और क्लोज़ करने के बाद ये पूछ रहा है क्लिपबोर्ड में चाहिए नहीं चाहिए, मैंने इसको क्लोज़ कर लिया। और क्लोज़ करने के बाद पिक वन के नाम से ये हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं आप, पिक वन के नाम से आया है। अगर आप इसका साइज़ अब देखेंगे फिलहाल में, तो अभी आप देख पा रहे हैं 772 KB का साइज़ दिखाई दे रहा है, 772 KB का साइज़ दिखाई दे रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 772 KB साइज दिख रहा है। तो अगर हम उस कंप्रेस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, वापस मैं करता ये हूँ कि इस फाइल को मैं एक बार कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और फिर से वापस मैं जाता हूँ इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। और कंप्रेस ऑप्शन जो होता है उसका क्या यूज होता है, उन चीज़ों को हम लोग जानेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेट टैब के अंदर में, और यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर के नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख भी रहा है कंप्रेस पिक्चर्स इन द डॉक्यूमेंट टू रिड्यूस इट्स साइज। इसके साइज को घटाने के लिए आप पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूछ रहा है कि कंप्रेशन का जो प्रभाव है किस पर पड़ेगा, अप्लाई टू सेलेक्टेड पिक्चर ओनली, सिर्फ इसी पिक्चर पे या किसी और पिक्चर पे। तो सपोज मेरे सामने फिलहाल में यही चित्र एक है तो मैं इसी पे लगाता हूँ और उसके बाद ऑप्शन को ऑन करता हूँ, यहाँ पे टिक लगाता हूँ, तो ये पूछ रहा है कि जो आपका पिक्चर आएगा वो किस साइज़ का आएगा। तो सपोज मान लीजिए मुझे प्रिंट साइज़ का नहीं चाहिए, प्रिंट की क्वालिटी के लिए नहीं चाहिए, स्क्रीन की क्वालिटी के लिए नहीं चाहिए, मुझे ईमेल के तौर पर भेजना है, तो ईमेल वाले ऑप्शन को मैंने क्लिक कर लिया। और इतना करने के बाद मैं ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, और ओके करने के बाद फिर से मैं ओके करता हूँ और फिर से वापस मैं कंट्रोल एस की मदद से इसको सेव कर लेता हूँ और इसके बाद वापस मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे आप यहाँ पे माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं तो इसका आपको साइज़ पता चलेगा कि पहले जो फ़ोटो का जो साइज़, पूरे फाइल का जो साइज़ था वो 700 के करीब में KB में था। अभी फ़िलहाल में कंप्रेस करने के वजह से इसका साइज़ जो है 45 KB, यानी कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कम
इसका साइज हो चुका है। तो इस तरीके से खास करके इसका इस्तेमाल तब करते हैं कि एमएस वर्ड हो, उसके अंदर में कोई पिक्चर आपने ओरिजिनल क्वालिटी का कोई पिक्चर लगाया हुआ, और आने वाले दिनों में ईमेल करते हैं उसको, ईमेल पढ़ेंगे हम लोग आने वाले दिनों में इंटरनेट चैप्टर में। तो ईमेल अगर आप करते हैं तो उस कंडीशन में फाइल का साइज आपका बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से फाइल को सेंड करने में प्रॉब्लम आती है। तो उस कंडीशन में आप पिक्चर के साइज को घटा करके आप फाइल को ईमेल कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका वो कंप्रेशन ऑप्शन काम करेगा। आगे चलते हैं अगला हम लोग के सामने, फिर वापस अगले ऑप्शन में आते हैं हम लोग। वापस मैं फिर से आ जाता हूँ उसी फाइल पे, और अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है फॉर्मेट के अंदर में, वो है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर ऑप्शन का यूज़ क्या होता है? चेंज पिक्चर ऑप्शन से ये करते हैं कि अगर आप चाहेंगे कि उस पिक्चर के जगह पे कोई दूसरा पिक्चर लाएं, तो आप उस चेंज पिक्चर की मदद से आप पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद चेंज पिक्चर पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने पूछेगा कि आप कौन सा पिक्चर लेना चाहेंगे। इसके जगह पे आप जो भी पिक्चर लेना चाहेंगे उस पिक्चर को सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट करिए। तो जैसे इंसर्ट करेंगे तो वो पिक्चर आपके सामने आ जाएगा। एक और इसका फ़ायदा है चेंज पिक्चर का, कि अगर आपने कोई पिक्चर का साइज़ अगर आपने रिसाइज करके छोटा कर दिया है, और अगर आप चेंज पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे तो जो पिक्चर आएगा उतना ही साइज़ में आएगा, कोई दूसरा जो पिक्चर आएगा इतना ही साइज में आएगा। लेकिन वहीं अगर आप नए सिरे से पिक्चर कोई इंसर्ट करते हैं तो उसका जो साइज़ होगा, चेंज पिक्चर ऑप्शन का नहीं यूज़ करते हैं, अगर आप डायरेक्टली अगर आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो उसका जो साइज़ आएगा काफ़ी बड़ा आएगा, यानी ओरिजिनल उसका जो साइज़ होगा वो आएगा। तो इस तरीके से चेंज पिक्चर ऑप्शन का यूज़ करके आप उसके जगह पर कोई दूसरा चित्र लगा सकते हैं, और उसका साइज़ जो होगा सेप बदलेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला है रिसेट पिक्चर। रिसेट पिक्चर की मदद से अगर इस पिक्चर के अंदर में कुछ प्रभाव लगाया था आपने, सपोज मैं यहाँ पे रिसेट करने से पहले मैं यहाँ पे इस चित्र के अंदर में फ्रेम में लगा देता हूँ, या फ्रेम के साथ साथ मैं इसको बॉर्डर भी लगा देता हूँ, बॉर्डर भी लगा दिया मैंने, और ये दोनों प्रभाव मैंने लगा दिया, और इतना करने के बाद मैं चाहूँगा कि इस पिक्चर को रिसेट करना, तो रिसेट करने की मदद से आप उसमें जितने सारे प्रभाव लगाए गए हैं वो सारे के सारे प्रभाव हटा सकते हैं। जो जैसे मैंने रिसेट किया तो वो पिक्चर हमारा इतना यहाँ पे आपको आ गया है, रिसेट होकर के फिर से जैसा उसका ओरिजिनल रूप था वैसा दिखाई दे रहा आपको। तो इस तरीके से अगर आप रिसेट पिक्चर का यूज़ करते हैं तो पिक्चर के अंदर में जो भी फॉर्मेटिंग की जाती है, प्रभाव लगाए गए रहते हैं, वो सारे के सारे प्रभाव को वो हटा देता है। अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है वो है आपका पिक्चर के अंदर में, अगला जो ऑप्शन है वो है आपका फॉर्मेट टाइप के अंदर में, ये है आपको पिक्चर स्टाइल की मदद से पिक्चर में फ्रेम जोड़ना। अगर आप चाहेंगे पिक्चर में फ्रेम जोड़ना तो आप पिक्चर को सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आपको जो भी फ्रेम चाहिए उस पर क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको फ्रेम यहाँ पे बना हुआ दिखाई देगा। इसमें से आपको कई तरह के फ्रेम के ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी आपको फ्रेम आपको अच्छा लगे वो फ्रेम आप लगा सकते हैं, और पिक्चर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है आपका फ्रेम का ऑप्शन है। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है वो है आपका पिक्चर को सेव। अगर आप चाहेंगे कि किसी पिक्चर को सेव में रखना तो आप पिक्चर को सेव में रख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सपोज इस पिक्चर को मैं चाहूँगा सर्किल में रखना, तो मैंने यहाँ पे सर्किल पे क्लिक कर दिया, मेरा पिक्चर सर्किल में आ गया। वही मैं चाहूँगा कि अगर इस पिक्चर को मैं इस तरह के सेप में रखना, तो आप जिस तरह के सेप में रखना चाहेंगे उस तरह के सेप में वो पिक्चर आ जाएगा, मेरी बात हमारी है। तो इस तरीके से पिक्चर को किसी सेप में रखना चाहेंगे तो आप सेप ऑप्शन का, पिक्चर सेप ऑप्शन का यूज़ करके उस पिक्चर को सेप में रख सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली अगर करना चाहेंगे तो मैं इसको राउंड रेक्टेंगल सेप दे दिया। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे पिक्चर में बॉर्डर लगाना, पिक्चर में बॉर्डर लगा सकते हैं आउटलाइन के तौर पे, और बॉर्डर का कलर इसमें सेट करना चाहेंगे, बॉर्डर का अगर कलर सेट करना चाहेंगे, इतना ही नहीं बॉर्डर का अगर आप वेट बढ़ाना चाहेंगे, यानी उसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहेंगे, तो आप बॉर्डर का चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं बॉर्डर में अगर आप उसका फॉर्मेट बदलना चाहेंगे, डॉट डैश डैश डॉट डॉट करके देना चाहेंगे, तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? इतना ही नहीं, पिक्चर का अगर आप एक अलग एक रूप देना चाहेंगे तो आप अलग एक रूप दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे पिक्चर को नॉर्मली जैसे था वैसे करना, तो इसमें जो भी प्रभाव लगाया था नो आउटलाइन मैंने कर दिया, तो जो प्रभाव था ख़त्म हो गया। और यहाँ से फिर से वापस मैं चाहूँगा पिक्चर में इफेक्ट जोड़ना, तो इफेक्ट में कई तरह के यहाँ पे इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। जैसा इफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर आप उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वैसा इफेक्ट आपको दिखाई देगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक इफेक्ट नया मिला हुआ है। अगर आप चाहेंगे इसमें शैडो का इस्तेमाल करना तो शैडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी छाया आपको दिखाई देगा। अगर आप चाहेंगे कि कोई भी दूसरा प्रभाव दिखाई दे, तो पहला प्रभाव नॉर्मली मैं कर लेता हूँ और यहाँ पे शैडो वाला प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है।
इसी तरीके से अगर आप रिफ्लेक्शन का यूज करना चाहेंगे तो रिफ्लेक्शन प्रभाव का यूज आपको एक रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा, जैसे एक ही चित्र आपको दो दो जगह दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे आईने में जैसे होता है, या फिर नदी के किनारे या पानी के किनारे खड़े रहते हैं तो वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन एक दिखाई देता है, उस तरीके से ये रिफ्लेक्शन का प्रभाव भी जोड़ सकते हैं। तो जो भी आप प्रभाव लगाते जा रहे हैं, अगर आप चाहेंगे कि उसके साथ साथ दूसरा प्रभाव लगाएं और उसका एक्चुअल में आपको मतलब समझाएं, तो आप उसके पहले वाले प्रभाव जो आपने लगाया उसको हटा के अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोग को, अभी आप लोग इसको देखिएगा ज़रूर, और साथ ही साथ देखने के बाद खुद से इसको करने के खुद से करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। इसके अलावा ग्लो 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 लगाना चाहेंगे तो ग्लो का प्रभाव आप लगा सकते हैं। इस तरीके से पिक्चर में आपको एक ग्लो का इफेक्ट मिलता है, खास करके ये जो है सारे प्रभाव आपको खास करके फोटोशॉप में मिलते हैं, लेकिन एमएस वर्ड भी आपको पिक्चर में कुछ फॉर्मेटिंग का आपको यहाँ से प्रभाव देता है, ऑप्शन देता है, जिसके जरिए आप पिक्चर में छोटी मोटी फॉर्मेटिंग भी कर सकें। इसके अलावा अगर आप सॉफ्ट एज अगर ग्लो का प्रभाव खत्म करना चाहते हैं, नो ग्लो कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप सॉफ्ट एज अगर इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि कुछ हिस्सा दिखाई दे और कुछ हिस्सा दिखाई ना दे, तो सॉफ्ट एज में जाकर के आप यहाँ से 25 पॉइंट या जो भी पॉइंट आपको चुनना है वो चुन लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे 25 पॉइंट चुनता हूँ, तो ये चित्र तो था तो पूरा दिखाई दे रहा था पहले अभी, लेकिन इसका कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है, साइड से कुछ हिस्सा आपको कट चुका है। तो इस तरीके से सॉफ्ट एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्ट एज को नहीं लगाना चाहेंगे, नो कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप विवल यानी अगर आप विवल इम्बोज होता है तो उस तरह के प्रभाव को लगाना चाहेंगे, तो आप उस तरीके से आप अपनी इमेज को 3D टाइप का दिखा सकते हैं, और 3D रोटेशन करके आप इमेज को 3D रूप में दिखा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं, कई तरह के प्रभाव आपको यहाँ से देखने के लिए आपको मिल रहे हैं। जो भी आपको प्रभाव पसंद आए वो चीज़ आप लगाइए और देखिए, और अपने चित्र को और ज़्यादा बेहतरीन बनाइए। इस तरीके से आप 3D का अगर आप कलर बदलना चाहेंगे तो 3D के अंदर में आप यहाँ से कलर का ऑप्शन है, और 3D के अंदर में अगर आप यहाँ से इसका प्रीसेट अगर आप खुद से कोई करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन हैं, ये सारे प्रभाव आपको अलग अलग करके देखने के लिए हैं। बारी बारी से कर करके देखिए और कैसा आपको लग रहा है वो चीज़ें ज़रूर आप कॉमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, वापस जैसा पिक्चर था वैसे मैं पहले जैसा कर लेता हूँ, यहाँ से नो रोटेशन कर लेता हूँ और जो प्रभाव था वो मैंने ख़त्म कर दिया। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है पोजीशन। पोजीशन से अगर आप, मैं यहाँ से एक इमेज को इसको हटा देता हूँ और इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर में, इस पेज पर आपको एक चित्र तो दिखाई दे ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ मैटर भी है। मैं थोड़ा सा मैटर को और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, मैटर का फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ से मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं अलाइनमेंट को भी थोड़ा सा नैरो कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चित्र भी जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे है चित्र, सही है। अब यहाँ पे मैं चित्र पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फॉर्मेट में जाके पोजीशन में, यहाँ पे आपको कई तरह के पोजीशन दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर आप इस तरह का पहला वाला पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको चित्र जो होगा वो एक लेफ्ट कॉर्नर में जाएगा, वहीं अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो चित्र जो होगा टॉप में बीचों बीच में आएगा। इस तरीके से अगर आप इसका ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो पोजीशन जो आपका होगा टॉप राइट साइड में आएगा, उस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो मिडिल में आएगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे अगर आप करेंगे तो मिडिल में सेंटर में आएगा, और इसका इस्तेमाल करेंगे तो मिडिल में राइट में आएगा, उस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो पिक्चर जो होगा आपका लेफ्ट साइड में जाएगा बॉटम में, उस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप आई होप समझ पा रहे होंगे आप कि जैसा यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहा है वैसा आपका चित्र उस तरीके से आपका ये चित्र लग जाएगा। क्लियर है मेरी बात? आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है ब्रिंग टू फॉन्ट के नाम से, सेंड टू बैक के नाम से। तो ये जो है एक्चुअली तौर पे आपको पिक्चर पे ये काम नहीं करता, इसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर में आता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट कुछ इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे तीन तरह का ऑब्जेक्ट मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, जैसे ये पहला हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें मैं कोई कलर का प्रभाव भर देता हूँ, जैसे मैंने रेड भर दिया, और इसके अलावा फिर से मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ, यहाँ से मैंने एक और ऑब्जेक्ट ले लिया, और यहाँ से मैंने इसमें भी एक प्रभाव जोड़ दिया, ये रेड कलर का प्रभाव जोड़ देते हैं, और साथ ही साथ मैंने एक स्टार यहाँ से बना दिया, और इस स्टार के अंदर में मैंने बना दिया ये, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इसके अंदर में आपको ब्रिंग टू फॉन्ट का यूज़ देखना, सेंड टू बैक का यूज़ देखना, तो आप बारी बारी से इसको करके आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, तीन तरह का ऑब्जेक्ट जोड़ा, और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को जोड़ने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो येलो वाला है, ये येलो वाला जो है ये सबसे ऊपर में आ जाए,
अभी सबसे बैक में है। अगर आप चाहते हैं सबसे ऊपर में आ जाए तो यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट के नाम से ऑप्शन दिया है, ब्रिंग टू फ्रंट के नाम से, ब्रिंग फॉरवर्ड के नाम से। ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो सबसे ऊपर में आ जाएगा पीला वाला। वहीं अगर आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे सेंड टू बैक करेंगे तो सबसे नीचे चला जाएगा। सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक स्टेप पीछे जाएगा। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो आपके टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेंड टू बैक करता हूँ, सेंड टू बैक मैंने किया तो सबसे पीछे चला गया। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ये येल्लो वाला एक स्टेप ऊपर आए तो आप इसके लिए ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक स्टेप ऊपर आया, यानी रेड वाला जो है लास्ट में चला गया। वापस अगर आप चाहेंगे इसको कि सबसे ऊपर आए तो इसके लिए आप ब्रिंग फ्रंट करेंगे तो सबसे ऊपर आ गया। अगर आप यहाँ से एक स्टेप पीछे ले जाना चाहेंगे तो सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक स्टेप पीछे गया। और सबसे लास्ट में अगर आप एक और स्टेप पीछे ले जाना चाहेंगे तो सेंड बैकवर्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करके पीछे ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को टॉप में या फिर सेंड टू बैक करना चाहेंगे, लास्ट में रखना चाहेंगे तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है टेक्स्ट रैपिंग के नाम से। टेक्स्ट रैपिंग एक बड़ी ही काम का चीज़ है। इसके ज़रिए क्या करते हैं हम लोग, आइए देख लेते हैं। मैं वापस फिर से इंसर्ट में जाता हूँ, इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाता हूँ और पिक्चर में जा करके मैं पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ और ये हमारे सामने चित्र आ गया। चित्र बहुत बड़ा आया है, मैं चित्र को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सके। अब आप देख सकते हैं कि चित्र तो यहाँ पर आया है, लेकिन जैसे चित्र आया है ये लिखावट को यहाँ सामने रहने नहीं दे रहा, लिखावट को वहाँ से हटा दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखावट को मैं अगर यहाँ लाने का प्रयास करता हूँ, लिखावट को यहाँ से मैं लाने का प्रयास करता हूँ तो एक लाइन तो आया, लेकिन अगर इससे ऊपर मैं ले जाना चाहता हूँ लिखावट को तो ये चित्र को ही डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो चित्र को ही डायरेक्ट डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये चित्र भी यहाँ रहे और साथ साथ यहाँ लिखावट भी रहे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए वापस मुझे चित्र को क्लिक करना होगा, चित्र को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद फिर से आपको फॉर्मेट टाइप में जाना होगा और टेक्स्ट रैपिंग नाम का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसका इस्तेमाल करना होगा। इसमें अगर आप स्क्वायर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो स्क्वायर की मदद से आपका ये होता है कि आपका जो लिखावट होगा वो तो राइट साइड में आ जाएगा और आपका चित्र जो होगा जहाँ पे आप रखेंगे वहाँ पे आप रख सकते हैं। यानी कि ये जितना दूर में चित्र के लिए जगह चाहिए उतना वो जगह ले लेता है और बाकी मैटर को ये दे देता है। इसी तरीके से अगर आप चाहेंगे कि लिखावट के पीछे जो है आपका चित्र चित्र चला जाए तो इसके लिए क्या करना होगा, चित्र को सेलेक्ट करना होगा और टेक्स्ट रैपिंग के अंदर में जाकर के बिहाइंड टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करना होगा। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो आपका जो लिखावट होगा वो ऊपर में आ जाएगा और आपका जो मैटर होगा, चित्र जो होगा वो आपका ऊपर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप चाहेंगे कि वापस जो है आपका जो ये लिखावट है, चित्र जो है ऊपर आ जाए, लिखावट के बिल्कुल ऊपर आ जाए, तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो मैटर है वो अंदर में है, लिखावट अंदर में है, अंदर में है और आपका चित्र जो है ऊपर में है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन का यूज आप कर सकते हैं। और भी इसमें कई तरह के ऑप्शन हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं इसको फिलहाल में इतना ही कवर करता हूँ। आगे चलता हूँ मैं, बाकी के ऑप्शन को भी कवर कर लेता हूँ। अलाइनमेंट ऑप्शन क्या होता है, अलाइनमेंट के अंदर में क्या होता है, जैसे कि अगर आप पिक्चर को अगर आप टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ करते हैं खास करके, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि होम टैब में जो ऑप्शन होते हैं चित्र को लेफ्ट राइट करने के लिए, चित्र का अलाइनमेंट बदलने के लिए, ये ऑप्शन काम नहीं करता। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन काम नहीं करता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, फॉर्मेट टैब में जाना होता है और यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट, अलाइन के नाम से ऑप्शन होता है, अलाइन की मदद से आप इस चित्र को अलाइन कर सकते हैं, अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं, अलाइन राइट कर सकते हैं, अलाइन सेंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चित्र का अलाइनमेंट जो है आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात मेरी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगला जो ऑप्शन हम लोग के सामने है वो है ग्रुप के नाम से। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप भी ऑप्शन जो होता है वो इमेज पे आपको काम नहीं करता है, ये ऑब्जेक्ट पे काम करता है। इसके लिए मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं और यहाँ से मैं इंसर्ट में आता हूँ। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे सेप में आता हूँ और सेप में आने के बाद यहाँ से मैं कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्किल में ड्रा कर लिया और सर्किल ड्रा करने के साथ साथ मैंने यहाँ से एक और स्टार ड्रा कर लिया, स्टार में ड्रा कर लेता हूँ और इसके अंदर में दोनों में मैं कलर भर लेता हूँ। दोनों को सेलेक्ट करके फॉर्मेट टैब में जाता हूँ और मैं सेफ फिल का इस्तेमाल करके मैं दोनों के अंदर में कलर भर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं अभी इसको ड्रैग करके ले जाता हूँ तो दोनों अलग अलग जा रहा है, लेकिन मैं अगर इसको ग्रुप कर दूंगा दोनों को तो ये दोनों साथ साथ जाएगा, दोनों कहीं भी एक साथ काम करेगा। इसके लिए करना क्या होगा, आपको पहले नंबर में कोई एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल बटन की मदद से दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप हो गया, अब ये चित्र जो होगा दोनों साथ साथ जाएगा, ये दोनों साथ साथ जाएगा। अगर आप चाहेंगे एक एक को भी, स्टार को भी सिर्फ पकड़ के ले जाना,
स्टार को भी सिर्फ ड्रैग करेंगे तो ये दोनों साथ साथ जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्रुप सेक्शन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। वापस अगर आप अनग्रुप करना चाहेंगे तो अनग्रुप कर सकते हैं, और अनग्रुप करने के बाद फिर से रीग्रुप करना चाहेंगे तो रीग्रुप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये ऑप्शन का यूज़ करके चित्र को ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है वो है आपका रोटेट। रोटेट ऑप्शन से क्या होता है, अगर आपने कोई चित्र इंसर्ट किया, जैसे मैं एक चित्र यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट ऑलरेडी किया मैंने, और चित्र अगर ये हमारा चित्र का अगर रोटेशन अगर हमारा अलग रहता, जैसे ये चित्र इस तरीके से रहता, या चित्र इस तरीके से रहता, या चित्र इस तरीके से रहता, या चित्र इस तरीके से रहता, तो आप उसको रोटेट करने के लिए इन सारे ऑप्शन का यूज़ करते हैं। चित्र को जिस डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है उस डायरेक्शन में आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। मैनली तौर पर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से जो चार तरह के रोटेशन दिए हुए हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो रोटेशन चाहिए उसके लिए मोर रोटेशन ऑप्शन का यूज़ करके आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? इसके अलावा आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है क्रॉप के नाम से। क्रॉप के से माध्यम से होता क्या है, किसी इमेज को अगर आप क्रॉप करना चाहेंगे, काटना चाहेंगे, तो क्रॉप ऑप्शन का यूज़ करके इमेज को काट सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लिया और क्रॉप ऑप्शन का यूज़ करते हैं। क्रॉप ऑप्शन में जा करके यहाँ से मैं चाहता हूँ कि चित्र में सिर्फ एक दिखाई दे और बाकी सबका प्रभाव थोड़ा सा कम दिखाई दे या ना दिखाई दे, तो आप इस तरीके से इमेज में से क्रॉप कर सकते हैं। खास करके कोई वैसा इमेज जो बिल्कुल भी आपको प्रभाव ना दिखाई दे, तो आप इस तरीके से इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, और क्रॉप करके उसको जो है आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये है क्रॉप का ऑप्शन। इसके अलावा अगर आप पिक्चर को शेप और शेप के हाइट को या फिर विड्थ को अगर आप कम या अधिक करना चाहेंगे तो आप यहाँ से कम या अधिक कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ रहा है, यहाँ से घटा रहा हूँ तो मैं घट रहा है। इस तरीके से यहाँ से भी अगर आप इसकी चौड़ाई को भी घटाना चाहेंगे या बढ़ाना चाहेंगे तो आप यहाँ से चौड़ाई को घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शन हैं, इस तरीके से सारे ऑप्शन के का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो था ऑप्शन आपको मैंने बताया फॉर इंसर्ट के अंदर में, पिक्चर इंसर्ट के अंदर में जब पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, और पिक्चर इंसर्ट करने के लिए क्या क्या करना होता है, और साथ ही साथ पिक्चर इंसर्ट करने के बाद अगर आप उस पिक्चर को फॉर्मेट करना चाहेंगे तो ये सारे जो ऑप्शन हैं मैंने इसको कवर किया है इस वीडियो में। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, और देखने के बाद इसको जो है आप खुद से ट्राई करिएगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके। अगर आपको इतना बताने के बाद भी अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं समझ में आती हैं, ज़रूर आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद देते हैं। आगे की हम लोग बाकी की बातों को हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।